अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का पैगाम है, फ़राइज़ में सुस्ती नहीं करनी। स्टूडेंट्स, 8th क्लास की उर्दू पढ़ाने जा रही हूँ मैं आज आप लोगों को। हम लोगों ने सबक नंबर 3 की कंप्लीट रीडिंग कर ली थी, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। आज हम उसकी करेंगे मश्क। जल्दी से अपनी बुक्स का पेज नंबर 14 ओपन करें और मेरे साथ मश्क जो है वो हल करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले मश्क में है सबक दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को के मुताबिक दर्ज ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। आप लोगों ने ये सवाल पढ़ने और फिर इनके जवाब बताने हैं। पहला सवाल है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ताजरों ने कितने नफ़ा की पेशकश की थी। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ताजरों ने 2 गुना नफ़ा की पेशकश की थी। कितने गुना नफ़ा की पेशकश की थी? 2 गुना। अगला सवाल है हमारे पास, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कहाँ से मिल रहा था। तो इसका जवाब है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से मिल रहा था, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो उसकी राह में 1 रुपया खर्च करेगा तो क़यामत के दिन अल्लाह 10 गुना उसका अजर देगा। अगला सवाल है, जंगे यरमूक में सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस इशार से काम लिया। तो स्टूडेंट्स, इसकी आपके पास एक पूरी एग्जांपल मौजूद है, आपने वो पूरी मिसाल लिखनी है जिसमें ज़ख्मियों ने पानी जो है वो खुद पीने की बजाय अपने दूसरे ज़ख्मियों को पिलाने को तरजीह दी। तो वो पूरा पैराग्राफ आप इसके अंदर लिखेंगे। अगला सवाल है, हमें एक दूसरे की मदद क्यों करनी चाहिए। जी, हमें एक दूसरे की मदद क्यों करनी चाहिए? इसका जवाब है कि हर एक इंसान पर कभी ना कभी कोई मुश्किल वक्त आता है, तो हमें चाहिए कि दूसरों की मुश्किल में उनका साथ दें, ताकि जब हम पर कोई मुश्किल आए तो लोग हमारी मदद कर सकें। अगला सफ़ा नंबर है हमारे पास 15, पेज नंबर 15 ओपन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तालिब इल्म एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तालिब इल्म एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं? हमने ये पढ़ा है अपने सबक में कि जिस तरह हमारी जो पुरानी किताबें होती हैं वो हम बजाय उसको कि बेच दें या फेंक दें, किसी दूसरे तालिब इल्म को दे दें ताकि उसकी मदद हो सके, या फिर अगर किसी को पढ़ाई में कोई मसला है तो उसको पढ़ाई में जो भी मसला है उसकी मदद कर दें, उसका मसला हल करें। अगला सवाल है, बहसियत इंसान दूसरों के साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, यानी एक इंसान होने के नाते हमें दूसरों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स हमें चाहिए कि हमारा रवैया दूसरों के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए और हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आगे देखिए, सवाल नंबर 2 है हमारे पास, सबक दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। आपके पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, जो ऑप्शन आपको ठीक लगे आपने उसको सर्कल कर देना है। पहला है, मुल्के शाम से गले के लदे हुए ऊँट मदीने आए। स्टूडेंट्स, आपके पास ऑप्शन है 1000, 2000, 3000 या 4000। तो मुझे पता है कि आपको इसका आंसर आता है, इसका आंसर है 1000। आप इसको सर्कल कर दें। आगे है हमारे पास, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर अपना माल राहे खुदा में पेश किया, 1/4, 1/3, निस्फ या सारा। जी तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब है सारा। अगला है हमारे पास, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ताजरों ने नफ़ा की पेशकश की, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 10 गुना। तो इसका जवाब है 2 गुना। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर अपना माल राहे खुदा में पेश किया, 1/4, 1/3, निस्फ या सारा। इसका जवाब है निस्फ। जी तो आपने इसको सर्कल कर लिया है। अब अगला सवाल देखें, दर्ज ज़ैल अल्फाज के मायनी लुगत से तलाश करके लिखें। हमने अल्फाज मायनी पहले भी किए हैं, लेकिन ये कुछ उन्होंने अल्फाज आपको इसलिए दिए हैं ताकि आप खुद इनके जवाब जो है वो तलाश करें। पहला लफ्ज़ है कारामद, इसका मायनी है मुफीद।
दूसरा लफ्ज़ है खातिरख्वाह यानी काबिले ज़िक्र। तीसरा लफ्ज़ है इसार, इसार मतलब सखावत या कुर्बानी। अगला लफ्ज़ है सखावत, सखावत का मायनी है फयाजी। अपाहज, अपाहज का मायनी है माजूर। नज़ीर, नज़ीर का मायनी है मिसाल। सवाल नंबर 4 है हमारे पास। इस सबक में मुख्तलिफ मुकामात पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दर्ज ज़ैल मुख्तलिफ ताज़ीमी अलकाबात इस्तेमाल हुए हैं, आप उनके मायनी तहरीर करें। सबसे पहले हमारे पास है खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मतलब है नबियों का खात्मा करने वाले, नबूवत का खात्मा करने वाले यानी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मतलब है अल्लाह का रसूल। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कायनात के सरदार, दुनिया के सरदार। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दोनों जहानों के लिए रहमत, इस जहान में भी और आखरत के ज़िंदगी में भी। जी तो स्टूडेंट्स, अब आप पेज नंबर 16 ओपन करें। सवाल नंबर 5, दर्जल अल्फाज के मुतजाद लिखें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला लफ्ज़ है मखलूक, सबसे पहले तो आपने इनके मुतजाद यानी उल्ट लिखने हैं, तो मखलूक का उल्ट है खालिक। अगला लफ्ज़ है खुशगवार, खुशगवार का मुतजाद है नाखुश। बुलंद, बुलंद का उल्ट है पस्त। खुश्क, इसका मुतजाद है तर। सखावत, सखावत का है बुखील। इंसानियत, इंसानियत का मुतजाद है हैवानियत। आपने इन सारे लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, यानी मखलूक का एक जुमला बनाना है, खुशगवार का, बुलंद का, खुश, सखावत और इंसानियत का, ये आप लोगों ने खुद जुमले बनाने हैं। अगला सवाल देखें, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाना है हमने। सबसे पहले है हमारे पास हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो इनका लकब जो है वो यहाँ लिखा हुआ है, तो आइए देखते हैं कि वो किधर है। जी, ये हमारे पास उनका लकब लिखा हुआ है हज़रत अबू बकर सिद्दीक, तो हमने इसको इस तरह से इसके साथ मिला देना है। नेक्स्ट है हमारे पास हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फारूक, ये इनका लकब है। नेक्स्ट है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो इनका लकब है ज़ुल्नूरैन, आपने इस तरह से मिला देना है। अगला है हमारे पास लफ्ज़ बुलबुल, तो बुलबुल को क्या पसंद है, बुलबुल को फूल पसंद है। अगला है हमारे पास जंजीर, तो जंजीर की क्या होती है स्टूडेंट्स, कड़ियाँ, तो हम इनको कड़ियों से मिला देंगे। दर्द दिल, दर्द दिल को इंसान के साथ मिलाएंगे। खुश्कसाली यानी कहत। परवाना, परवाने को चिराग पसंद है, तो हम इसको चिराग के साथ मिला देंगे। दारेफानी यानी दुनिया, ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, इस तरह से आपने कॉलम को मैच कर लेना है। अगला सवाल है हमारे पास दुरुस्त और गलत की निशानदही करें। अल्लाह ताला ने इंसान को दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है, दुरुस्त या गलत? जी हाँ, दुरुस्त। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी तरीके से दूसरे इंसान की मदद नहीं कर सकता, क्या ये बात दुरुस्त है? जी नहीं, ये गलत है। ज़मीन वालों से मेहरबानी करने वाले पर अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेहरबान होगा, ये बात दुरुस्त है या गलत? बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह ताला का वादा है कि वो एक के बदले में 7 देगा। स्टूडेंट्स, क्या ये दुरुस्त है? जी नहीं, ये गलत है, एक के बदले में 10 देगा। अगला देखिए, फतह मक्का के मौका पर अंसार की जानिब से महाजर सहाबा की मदद की नज़ीर मिलना मुश्किल है, तो आपने ये देखना है कि ये दुरुस्त है या गलत, तो ये दुरुस्त है।
ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को अच्छे से याद भी करना है और जुमलों को नीट नोटबुक पे खूबसूरत राइटिंग के साथ लिखना है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, घर पर रहें, महफूज रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।